तो सो माइक्रोमैक्स जो एक इंडियन ब्रांड है हम सभी को पता है, उसके फोन्स काफी अच्छे होते हैं। तो अब फाइनली उन्होंने उनकी सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी भी लॉन्च कर लिए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइसिंग और क्या नया रखा है इसी टीवी में और क्या है इसके मेजर हाईलाइट इस टीवी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों माइक्रोमैक्स ब्रांड ने उनके एच डी रेडी टीवी लॉन्च की है और जो कि एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी है और यहाँ पर उन्होंने दो वेरिएंट लॉन्च की, एक 32 इंच की है और दूसरी जो है 40 इंच की है। और प्राइसिंग अगर बात करो तो यहाँ पे 32 इंच वाली जो टीवी आपको लगभग 13,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी और जो 20 और जो 40 इंच वाली टीवी है वो आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगी। तो फिर बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दो के दोनों ही टीवी में आपको दो यूएसबी पोर्ट और दो एचडीएमआई पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। साउंड आउटपुट की बात करो तो यहाँ पे आपको 20 वाट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी है तो यहाँ पर एंड्रॉइड 9.0 लेटेस्ट वर्जन दिया है जो कि एक बहुत मेजर हाईलाइट होगा इस टीवी का। बाकी आपको ब्रांड्स इस समय लेटेस्ट आपको एंड्रॉइड नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है आपको ओरियो या नोगटी मिलेगा, लेकिन इस टीवी में आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको 9.0 एंड्रॉइड देखने मिलेगा। और दोस्तों ये दोनों ही टीवी एच डी रेडी टीवी, तो रेजोल्यूशन जो दिया है 1366x768 का दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बात कर लेगा टीवी के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे डुअल कोर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको 1.5 GB का रैम दिया गया है इस टीवी में। और दोस्तों बात कर ले यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा टीवी में, जो कि एक मेजर हाईलाइट होगा इस टीवी का, क्योंकि बाकी ब्रांड में मतलब आपको कहीं आपको एमआई की टीवी में ब्लूटूथ मिलता है, दूसरे ब्रांड में नहीं मिलता, तो यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स ब्लूटूथ दे रहा है जिसके थ्रू आप ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेस कनेक्ट करके फुल एंजॉय कर सकते हो इसी टीवी के साथ। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट इस टीवी में देखने मिलेगा जिसके थ्रू आपका मोबाइल का कंटेंट आप इजीली प्ले कर सकते हो, अच्छे से देख सकते हो आपके टीवी में, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट होगा इसी टीवी का। और दोस्तों बात कर ले यहाँ पर बिल्ट इन एप्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4000 से भी ज्यादा एप्स मिलते हैं जिसमें आपका म्यूजिक्स आ जाते हैं, वीडियोज आ जाते हैं, गेम्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो आपको बिल्ट इन इस टीवी में देखने मिलेंगे। और दोस्तों बात कर ले यहाँ पे टीवी के रिमोट के बारे में, तो यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिलेगा। इसी के साथ ही साथ आपको ब्लूटूथ भी देखने मिल जाएगा रिमोट में, तो ये दो मेजर हाईलाइट होंगे इस टीवी के रिमोट के बारे में। इसी के साथ ही साथ आपको यूट्यूब का डेडिकेटेड बटन आपको रिमोट में देखने मिल जाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे टीवी के पैनल के बारे में, तो यहाँ पर ए प्लस ग्रेड का पैनल दिया हुआ है जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली, अच्छे व्यूइंग एंगल्स होंगे, विविड कलर्स होंगे, तो आपको पिक्चर क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है माइक्रोमैक्स ने, तो हैट्स ऑफ टू माइक्रोमैक्स। दोस्तों ये कुछ बातें हो गई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में, अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे वारंटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी देखने मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आपको 1 ईयर की दी जाती है। इसी के साथ ही साथ अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक टीवी मिलेगी, ऑफकोर्स टीवी ले तो टीवी तो मिलना ही है, उसके बाद रिमोट मिल जाएगा, रिमोट के साथ बैटरी भी मिलेगी, यूजर मैनुअल मिल जाता है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, तो ये कुछ आपको, और वॉल माउंट भी मिलेगा और स्टैंड और टेबल टॉप भी मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको बॉक्स कंटेंट में देखने मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वॉल माउंट का पे भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी एक माइक्रोमैक्स ने बहुत अच्छा किया है, बाकी ब्रांड में कहीं कहीं आपको पे करना पड़ता है। और दोस्तों जो अगला पॉइंट है, आपको कोई भी यूट्यूबर आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से इमेज टाइप सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जिप सपोर्ट होता है, जेपेक सपोर्ट होगा, पीएनजी सपोर्ट होगा, टिफ होगा, रॉ होगा, तो ये सारे फॉर्मेट्स आपको इस टीवी में इमेज के थ्रू सपोर्ट होने वाले। और बात करूँ यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट की, कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट करेंगे, तो वीडियो फॉर्मेट में आपको AVI सपोर्ट करेगा, WMA सपोर्ट करेगा, WAV सपोर्ट करेगा, और इसी के साथ ही साथ DVD वीडियोस भी सपोर्ट करेंगे इस टीवी में। तो ये सारे फॉर्मेट्स है इमेज के लिए और वीडियो के लिए, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट इस टीवी में सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी तक बात हुई इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या है वारंटी और बॉक्स कंटेंट में क्या मिलता है। और अगर यहाँ पे मैं मेजर हाईलाइट की बात करूँ इस टीवी के, तो यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसके थ्रू आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एज ए इंडियन कंज्यूमर। और दोस्तों यहाँ पे अल्ट्रा लो का पावर कंजप्शन की टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसके थ्रू होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है काफ़ी कम आएगा या इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इस टीवी में। और दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर टीवी में ट्रिपल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो पहला प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया गया ह्यूमिडिटी के लिए, दूसरा दिया गया है यहाँ पे लाइटनिंग के लिए, और तीसरा जो प्रोटेक्शन दिया गया हाई वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे तीन तीन प्रोटेक्शन आपको टीवी में देखने मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपकी टीवी काफ़ी प्रोटेक्टेड होगी और कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा। और तीसरा हाईलाइट होगा इस टीवी का कि यहाँ पर आपको स्लीप टाइमर का ऑप्शन देखने मिल जाएगा या फीचर देखने मिल जाएगा इस टीवी में। इसके थ्रू होगा कि अगर आपको समझ लो आपने टाइमर सेट कर दिया कि हाँ भाई रात को मैं 12:30 बजे सोने वाला हूँ, तो मैं अभी से टाइमर लगा देता हूँ, तो जैसे ही 12:30 बजे का टीवी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और आप सो सकते हो आराम से बिना कोई फिक्र किए, कोई भी टेंशन नहीं कि आपका टीवी रात भर चालू होगा और आप सो रहे हो। यूजुअली जो टीवी लवर होते हैं उनके साथ ये अक्सर देखा जाता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इस
दुविधा से बच सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में ए प्लस ग्रेड का पैनल तो दिया हुआ ही है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। माइक्रोमैक्स ने कोई भी कंजूसी नहीं की है, अच्छा पैनल यूज किया, और इसी के साथ ही साथ पिक्चर इंजन या पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने CLCP, उसका फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जिसके थ्रू आपको कलर रिप्रोड्यूस होकर अच्छे अच्छे कलर देखने मिलेंगे, एकदम नेचुरल फीलिंग आएगी जब भी आप टीवी देखोगे। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी काफी अच्छी होने रही है इसी टीवी में। तो माइक्रोमैक्स ने काफी अच्छा पैकेज लेके आया है आप सभी के लिए, हमारे इंडियन कंज्यूमर के लिए। तो आप सभी इसको मैं ये टीवी डेफिनेटली रिकमेंड करूँ, अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो आप ये टीवी कंसीडर कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ इसमें जैसे मैंने बताया कि दो वेरियंट है 32 इंच का और 40 इंच का, तो आप दोनों ही टीवी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप 40 इंच का कंसिडर कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप 4K टीवी भी ले सकते हो। तो उसके बारे में डिटेल में जाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, देख सकते हो और आपको काफी जानकारी भी मिल जाएगी। आपको 4K टीवी लेना चाहिए स्पेशली 2019 में। और दोस्तों अगर आप टीवी लेने का प्लान करो तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे हुए, वहां से आप बाइंग बेस्ट बाइंग लिंक रखे हुए, वहां से आप चेक कर सकते हो, आपको फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों यही थी माइक्रोमैक्स की नई एंड्रॉइड सर्टिफाइड टीवी, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी डिटेल्स पसंद आएगी। और लेकिन अगर यहाँ पे दोस्तों मैं इस स्पेसिफिकेशन या इस टीवी को कंपेयर करूँ तो यहाँ पर आपको अदर ब्रांड मतलब MI, JVC, VU आपको हर एक ब्रांड ये प्राइस में ही दे रहे, लेकिन कौन सी टीवी अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या माइनस है, क्या प्लस पॉइंट बाकी सब ब्रांड का, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेटिव इसी चैनल पे देखने मिलेंगे। और इसी के साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, लाइक तो जरूर करके जाना, जोर से दबा के एकदम नीला कर दो उस बटन को। और इसी के साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को हमारे हैप्पी गाइड फैमिली में जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए 1 रुपए नहीं देने, कंप्लीटली फ्री है, फ्री में भाई मुंबई में और इंडिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हैप्पी गाइड का वीडियो जरूर आपको देखने मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए टन टनाटन। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ID हैप्पी गाइड, बाय बाय।